कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश पर कहर बरपा रखा है। ऐसे में जब लोग इलाज के बिना और ऑक्सीजन की कमी से साथ ही बेड न मिल पाने के कारण दम तोड़ रहे हैं, तब ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो इन संक्रमित मरीजों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही नोएडा के एक निजी स्कूल की कक्षा 11वीं के दो छात्रों ने मिलकर संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिस पर मरीजों को कोरोना के रोजाना के आंकड़ों के साथ साथ देश, राज्य व शहरों के कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की उपलब्धता के साथ साथ प्लाज्मा की उपलब्धता की भी जानकारी दी जाएगी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले राघव और माधव अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने टीवी और सोशल मीडिया पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जान गंवा रहे और ऑक्सीजन व अस्पतालों में बेडों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे लोगों की तस्वीरें देखी और वो विचलित हो उठे, और तभी से उन्होंने फैसला किया एक वेबसाइट बनाने का। इन्होंने वेबसाइट बनाकर मरीजों की मदद करने की ठानी। दोनों ने मिलकर aapkiummeed.in नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट बनाने के बाद अब तक वेबसाइट के माध्यम से 200 से ज्यादा लोगों की मदद की जा चुकी है। दोनों के परिजन इस बात से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होने के बाद दोनों बच्चों ने वेबसाइट बनाने पर ध्यान दिया और वो सफल भी हुए। राघव और माधव का कहना है कि दोनों जल्द ही वेबसाइट में ब्लैक फंगस की डिटेल भी ऐड करेंगे, ताकि इस बीमारी से भी लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। इससे पहले भी इन दोनों छात्रों ने कई प्रोजेक्ट पर साथ काम किया है। वहीं राघव का कहना है कि माधव उसके अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने एक साथ ही सेक्टर 30 के एक निजी स्कूल से कक्षा 11वीं में पढ़ाई की है। दोनों ने साथ मिलकर वेबसाइट डेवलप की है। वेबसाइट पर दिए गए कोविड अस्पतालों व बेडों की जानकारी कई मरीजों की मदद कर रही है व कई मरीजों को नया जीवन दे रही है। वेबसाइट पर लगभग एक हफ्ते में ब्लैक फंगस की भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इसके लिए भी डेटा जुटाया जा रहा है।